मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईवीएस में बेटा आज से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सीजन। एंड टू अंडरस्टैंड द सीजन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वेदर। सो सीजन को समझने से पहले हमें वेदर को समझना होगा। एंड व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? एट अ सर्टन प्लेस एंड टाइम हाउ मच विंड, रेन, सन एक्सेट्रा देयर इज एंड हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। मतलब बेटा, किसी सर्टेन प्लेस में और टाइम में हवा कैसी है, तेज़ है, स्लो है, रेन हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो कितनी तेज़ हो रही है, सन कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तेज़ हीट है या स्लो हीट है ना, और गर्म है यानी कि गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, ये सब जो चीज़ें होती हैं बेटा वेदर को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। बेटा, देयर आर सम फैक्टर्स और एलिमेंट्स दैट अफेक्ट टू वेदर। तो जो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे सन, रेन, विंड, क्लाउड एक्सेट्रा, जो कि हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर बहुत तेज़ धूप है, यानी कि सूरज बहुत तेज़ चमक रहा है, उसमें से हीट बहुत तेज़ निकल रही है, तो जो हमारा वेदर होगा बेटा वो हॉट होगा। हम क्या बोलेंगे? वेदर कैसा है? हॉट है ना। और अगर बारिश हो रही है, हमें थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो हम बोलेंगे वेदर कैसा है? कोल्ड है, ठंडा वेदर है। सो ये जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, जो वेदर होता है बेटा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि आप एक दिन में ही देख सकते हैं, आप जब धूप में निकलेंगे बाहर या दोपहर में तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है, शाम होती जाती है, तो आपको थोड़ी थोड़ी ठंड सी लगने लग जाती है। सुबह के टाइम भी थोड़ा थोड़ा ठंड लगती है। तो वेदर जो होता है बेटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक दिन में भी जो होता है वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है। सो ये कुछ बातें बेटा वेदर के बारे में हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, गुड लक।